सरों का। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां आज देश भर में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां जिला कार्यालयों पर बीजेपी का झंडा फहराया गया। तो वही स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, साथ ही लखनऊ कार्यालय पर सीएम योगी ने भी बीजेपी का झंडा फहराया। बता दें कि बीजेपी इस स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है और 6 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो ये हम आपको लगातार 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जनपदों की, जहां पर भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। पहली तस्वीर अमरोहा से है, दूसरी सुल्तानपुर से और तीसरी फरीदाबाद से है। तो आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से जो आज भाजपा के कार्यकर्ता है, जो भाजपा के नेता है, उन्होंने आज अपना स्थापना दिवस मनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर सभी बूथों पर, मंडलों पर और जिला कार्यालय पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया गया है। यहाँ अमरोहा जिले के अंदर भी ध्वज फहराया गया जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर माननीय मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हम सब कार्यकर्ताओं ने सुना, जिस समय माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, समर्पण के साथ परिश्रम करें और इस देश के अंदर जो एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 2024 के बाद, उसमें लग जाएं। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाए अपनी, और उसके लिए के कार्यकर्ता के समय देने की आवश्यकता है, और हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्रवाद है। आज का जो कार्यक्रम है पूरे देश में है, पार्टी की स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। माननीय मोदी जी ने आज पार्टी के बारे में सबको बताया कार्यकर्ताओं को, और बहुत उत्साह है हमारे देश में। हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, का वर्ल्ड में बीजेपी से बड़ी पार्टी कोई नहीं। आज हम अमरोहा में अपने कार्यालय में यहाँ पार्टी का झंडा फहराया, और माननीय मोदी जी की आपने देखा होगा टीवी पर, सब लोगों ने उनके संबोधन किया। तो यही कार्यक्रम था आज पार्टी की स्थापना दिवस, और जनता को आज हनुमान जयंती की भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये 43वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमें अपने संस्थापकों से, अपने जो पहले के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सबके को ध्यान कर और उनसे ऊर्जा लेकर हमें राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में लग जाना है। हम राजनीति कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज के दबे कुचले वंचित ऐसे जो नीचे के पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी सेवा कैसे हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कैसे हो, हम सबके साथ आगे बढ़े, ये विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी अपना ये स्थापना दिवस मना रही है। और उसके एक नए अवतार के रूप में 6 अप्रैल 1980 से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद 43 वर्ष पूरे हुए हैं, हमारा 44वां स्थापना दिवस है। इसमें बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, और ऐसे केरल से लेकर कश्मीर तक अनेक ऐसी शख्सियतें इस विचार को लेकर आगे बढ़ी और अपने प्राणों तक की भी बाजी लगाई। बहुत सारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने पल पल करके इस पार्टी को जिया, कुशाभाव ठाकरे हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, लालकृष्ण अडवाणी हों, जगन्नाथ राव जोशी हों, ऐसे ही राज्यों में भी, हमारे राज्य में डॉक्टर मंगल।
लखनऊ में नगर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, साथ ही कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, साथ ही स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन पुस्तक का भी विमोचन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है। प्रदेश में अब तक 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के स्ट्रीट वेंडर्स के लाभार्थियों को भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया था। सभी पत्रकार बंधु भी इस प्रोग्राम में आए थे। सुल्तानपुर जनपद की भी दो परियोजनाएं डूडा विभाग की और एक नगर विकास की जो है वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उनकी लिस्ट में इंक्लूडेड था, वो हम लोगों ने यहाँ बैठ कर देखा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लाभार्थी हैं उनको चाबी भी हम लोगों ने आज माननीय जनप्रतिनिधियों से दिलवाई है और यहाँ सब लोगों को संबोधित करके ये भी बताया है कि आगे जो स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है उसमें भी जनपद का अच्छा नाम रहे, अच्छा रैंक रहे, उसके लिए प्रयास करें। मैम, कुछ वार्डों की जैसे समस्या आती है, समस्या द्वारा जो है साफ सफाई देखने को नहीं मिलती, उसको लेकर देखिए वार्डों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको हम लोगों ने वीकली रूप से समीक्षा करनी स्टार्ट करी है। दो बार हम लोगों ने स्वीपिंग के लिए निर्देश किया है। लखनऊ में बीजेपी के स्थापना दिवस पर दीवार लेखन कार्यक्रम रखा गया जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने दीवार पर कमल का निशान बनाया। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा का स्लोगन दीवार पर लिखा, एक बार फिर से भाजपा सरकार। बता दें कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वही हजरतगंज के नरही में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। निर्धारित किए गए हैं आज उस कार्यक्रम में 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्लोगन एक बार फिर से भाजपा सरकार, इस स्लोगन की शुरुआत की है। उन्होंने 11 बजे दिल्ली में ये दीवार लेखन के माध्यम से इस अभियान को शुरू किया है। सभी 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 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा मुख्यालयों में 1 बजे हम लोगों ने किया है और आगे आज ही सभी जिला अध्यक्षों के द्वारा, सभी मंडल अध्यक्षों के द्वारा, सभी बूथों में इस अभियान को हम लोग पूरा करेंगे। हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को दोहराते हुए एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है कि फिर से एक बार भाजपा सरकार, इस संकल्प को हम सब कार्यकर्ता अपने प्रदर्शित करते हुए और इस संकल्प को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और एक बार अपील करेंगे। आगरा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वही अब एक और नया केस मिला है। बता दें कि अब तक आगरा में 21 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोविड नियमों को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही से ये संक्रमण बढ़ रहा है। बढ़ती संख्या को लेकर जिला अस्पताल से लेकर SN मेडिकल कॉलेज और CMC सेंटर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, साथ ही मरीजों के संपर्क में आए लोगों की भी अब जांच कर उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगरा CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव। आइए इनसे बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके से अलर्ट किया गया है, क्या कुछ गाइडलाइन है? जैसा कि पता है कि प्रदेश और देश में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके जनपद हमारे जनपद में करीब इस समय 21 को एक्टिव केसेस हैं। 23 मार्च से अब तक करीब 26 केसेस आ चुके हैं, लगातार बढ़ोतरी भी देखी गई है। इसको देखे हुए हम लोग हमारे सारे स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं जहाँ पे हम लोग ने व्यवस्था कर रखी है L1+ की, खासतौर से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कल उनको चुस्त दुरुस्त सारे देख लिया गया है और वहाँ पे कंज्यूमेबल मेडिसिन की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली। इसके अतिरिक्त हमारे मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं, चिकित्सकों की ड्यूटी लगा दी गई है
साथ में हम लोग जो हमारा कोविड कमांड सेंटर है पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। RRT बनाने के निर्देश जो ब्लॉक स्तर की RRT की बन चुकी हैं, जनपद स्तर में RRT काम कर रही है पूरी तरह। इसके अतिरिक्त जो मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति को भी एक्टिवेट करने के लिए बोल दिया गया है, एक दो दिन के अंदर वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम लोग सबसे ज़्यादा जोर इस समय दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय टेस्ट हम लोग करा पाएँ। इसके लिए हम लोग अपने टेस्ट के केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होगी उनके आधार पर इनको हम बढ़ाएंगे और टेस्ट की संख्या में इजाफा करेंगे, जिससे कि कोई भी संक्रमित टेस्ट से छूट ना पाए और उस संक्रमण को हम आगे बढ़ने से रोक पाए। सर, लगातार देखा जा रहा है केसों में बढ़ोतरी हो रही है, तो शहरवासियों के लिए क्या अपील करेंगे, किस तरीके से अलर्ट रहें, क्या सावधानी बरतें? देखिए, ये सही एक बात पॉजिटिव है कि जो इस समय केसेस हो रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं और उसको देखते हुए बहुत सारे लोग अभी लापरवाह हैं। परंतु मेरा अनुरोध यही है कि जो लोग बुज़ुर्ग हैं अथवा छोटे बच्चे हैं अथवा किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी है। इसके अतिरिक्त भीड़ भाड़ इलाके में जाना हो, अपने हाथ को साफ रखना हो, सैनिटाइज रखना हो, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें। सबसे विशेष बात है, किसी को भी अगर सिम्टम दिखाई पड़ता है तो तत्काल निकटतम केंद्र में जाकर अपनी जांच कराएं, जिससे ये पता हो पाए और हम उसको आइसोलेट कर पाएँ और बाकी लोगों से संक्रमण आगे बढ़ने से रोक पाएँ। देखा आपने, ये थे हमारे साथ CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर किसी व्यक्ति में सिस्टम दिखते हैं तो वो नज़दीकी चिकित्सालय पर जाकर अपनी सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, Prime TV, आगरा। खबर अमरोहा से है, जहां हनुमान जयंती की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर नोगावा विधानसभा क्षेत्र के पृथ्वीपुर सराय गांव में बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका बीजेपी नेता रामनिवास गोला प्रजापति ने गांव में पहुंचकर पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया है। इस यात्रा में श्री बालाजी महाराज का झंडा लेकर और कलश लेकर चल रही महिलाओं पर पुष्प वर्षा की गई और सभी को भगवान श्री हनुमान के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी दी गई। फरुखाबाद में नगर पालिका परिषद की लापरवाही सामने आई है। दरअसल सेल्फी पॉइंट निर्माण के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि ठेकेदार ने सेल्फी पॉइंट में इंटरनल वायरिंग के स्थान पर खुले तार लटका दिए हैं। वही ठेकेदार ने अपनी कारगुजारी को छुपाने के लिए पॉलीथीन भी कवर करते हुए लगा दिया है। साथ ही सेल्फी पॉइंट तक बिजली पहुंचाने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। सेल्फी पॉइंट निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है। अनियमितताएं देखी गई हैं, चाहे उसमें वायरिंग का हो चाहे अन्य काम हो, यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार का जो नारा है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, वही भी गलत लिखा गया है, तो इस पर क्या अभी कार्रवाई की जा रही है? नहीं देखिए, अभी जो है जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया है कि अभी निर्माणाधीन है और इसमें जो है ऐसा जानकारी मिली है कि कुछ जो विद्युत का काम किया गया उसके तार अभी बाहर पड़े हुए हैं। यो को निर्देशित किया गया कि उसको तत्काल जो है उसको ठीक कराएं और ठीक करा के उसको अंडरग्राउंड करा दें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। दूसरा ये कि जो नारे में है उसमें कुछ त्रुटि थी जो है वो संज्ञान में आया है, जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुंदरम हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदरम, आई लव फरुखाबाद का स्लोगन तो दे दिया गया ताकि शहर को सुंदर बनाया जा सके, लेकिन लापरवाही भी साफ तौर पर बढ़ती गई है। जी बताना चाहूंगा कि पूरा मामला यह है कि जो नगर पालिका परिषद फरुखाबाद की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, लेकिन सेल्फी पॉइंट के निर्माण में भी बाजीगरी होती है, जिसका साफ तौर पे वहां पर परिणाम निकल के आता है कि जो उसमें वायरिंग है वो खुली कर दी जाती है, जिसके चलते तार लटक रहे हैं। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार का नारा है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, वह भी कहीं गलत लिखा जाता है। वही अब पूरे मामले पर ADM कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो कब तक कार्रवाई की जाएगी? क्या जब किसी की जान जोखिम में आ जाएगी, क्या कोई हादसे का शिकार होगा तब कार्रवाई की जाएगी, और अब तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? कहीं कहीं बड़ी लापरवाही है जिम्मेदारों की, क्योंकि ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया हुआ है जो रोडवेज बस अड्डा है उसके पास में ही है, वह फतेहगढ़ फरुखाबाद मुख्य मार्ग के पास में है, क्योंकि यहाँ पर आला अधिकारियों का आवागमन दिन प्रतिदिन होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी, बड़ा सवाल है। जब Prime TV ने इस खबर को चलाया तब कहीं इस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया, अब इस पर ADM कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सुंदरम इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
खबर पीलीभीत से है, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे 1 से 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बता दें कि गेहूं की फसल तैयार हो गई थी, लेकिन किसी अज्ञात के कारण गेहूं में आग लगने से सारी फसल जलकर राख हो गई। वहीं इसके अलावा दूसरे गांव भोपतपुर में भी ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग निकलने से 20 एकड़ की गेहूं जलकर राख हो गया, जिसके चलते झोपड़ी में बैठा एक बच्चा भी झुलस गया। वहीं बच्चे के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आग पर काबू पाया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा हनुमान जयंती पर वो हनुमंत धाम पहुंचे। बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में पर्यटक स्थल हनुमंत धाम पर हनुमान जयंती के उपलक्ष में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हनुमंत धाम पर श्री रामचरितमानस अखंड पाठ किया। इसके बाद हवन पूजन कर श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद भी वितरण किया। वह यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पूरे भारत में हनुमान जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हनुमान की सबसे बड़ी मूर्ति हनुमत धाम पर स्थापित है, जहां हनुमान जयंती को 2 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती है आज, और देश और दुनिया में आज बड़े धूमधाम से हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। भगवान राम का आशीर्वाद था कि कलयुग में हनुमान जी ने जो कुछ भी किया है, उन्होंने कहा था कि हमसे पहले तुम पूजे जाओगे। आज वास्तव में हनुमान जयंती का सबसे बड़ा महत्व है, और हम समझते हैं कि पूरे देश और दुनिया में इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शाहजहांपुर में तो सबसे बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, और बहुत प्रेम से हम लोग हनुमान जी को जयंती के रूप में नमन करते हैं। शाम को आज भजन संध्या होगी। गाजियाबाद में बीकॉम की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही हत्या करने वाले युवक ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम की घुकना कॉलोनी का है। यहां इसी घर में दीपमाला नाम की युवती अपने परिवार के साथ रहती थी। ये युवती बीकॉम कर रही थी, जहां सुबह एक युवक आया जिसने इसको गोली मार दी। हालांकि पुलिस के पास अभी युवक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसका नाम राहुल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मान कर चल रही है कि एक तरफा आशिकी में युवती की हत्या की गई है। थाना नंदगांव में एक लड़की को गोली मारने की सूचना प्रकाश में आई, तत्काल ही घटना को पीआरडी व स्थानीय पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पीड़िता को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त ने बताया कि वह पीड़िता को पूर्व से जानता है। उसने स्वयं भी जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। अभियुक्त को भी शीघ्रता से हॉस्पिटल भेज दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। हरदोई के बेनीगंज इलाके में हाईटेंशन लाइन में स्पार्किंग के बाद निकली चिंगारी से पकी खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई है, और इस घटना में एक किसान की लगभग 16 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। वहीं आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पीड़ित किसान ने मामले की जानकारी तहसील प्रशासन को दे दी है। कितने बीघे का खेत है? 3 एकड़। पूरा लमसम जल गया, कितना बचा है? पूरा जल गया है। ये किसका खेत आप लिए हुए थे? नवनीत कुमार मिश्रा और प्रीतु। अगली खबर हरदोई से है, जहां हरपालपुर थाना क्षेत्र के मलौधा में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि जब ससुराली जनों ने नवविवाहिता का शव देखा तो उनमें हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग नहीं पूरी होने पर ससुराल पक्ष पर नवविवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद अब मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है।
है ये मोरवा में इनकी शादी हुई थी, करीब 26 वर्ष की हैं, 9 साल पहले शादी हुई थी इनकी बीपी से और इन्होंने आज सुबह आत्महत्या कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इनके भाई राम तीरथ की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि हमारी बहन ने आत्महत्या की है, इसमें जाँच करा के कार्रवाई की जाए। नहीं सर, परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इनसे तहरीर प्राप्त करके जो भी उचित धाराओं में पंजीकृत किया जाएगा। हो गए सब लोग, फिर शाम सुबह को देखा तो ये फांसी पे लटकी हुई थी। उसके बाद मैंने सूचना दी इन लोगों को, मैं के वालों को, इनको बस फिर लोग आए। कोई विवाद तो हुआ नहीं था? विवाद कोई नहीं हुआ था सर। मायके वाले क्या कह रहे हैं? वो अपलच लगा रहे हैं कि इन लोगों ने माल डाला, लटका दिया। कोई विवाद तुम्हारा था पहले? तो कोई विवाद हुआ नहीं? विवाद नहीं था, कभी विवाद नहीं हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? बिपिन। कहाँ रहते हो? मलौता। संभल में व्यापार मंडल के अध्यक्ष की दुकानों को भूमाफियाओं ने अपना निशाना बना लिया। वहीं भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहां भूमाफियाओं ने दुकानों के ताले को कटर से तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। इस पूरे उपद्रव की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई, जबकि व्यापारियों का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सारा बाजार बंद कर दिया जाएगा। जी, मेरा नाम रकीम है, ये मकीम भाई है, मेरा कपड़े का काम है, यहाँ दुकान है। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इनकी परचून की दुकान है कपड़े की, और उसके बराबर कपड़े की दुकान और गोदाम है। तो रात करीब 12:30 के बीच में कुछ लोगों ने आन के बाले काट दिए दोनों शटर के, और जो भी माल था सब माल लूट के ले गए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम रात में जब सूचना मिली, हम सूचना पर पहुंचे, अब हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब अध्यक्ष की दुकान में, जब हमारे अध्यक्ष की दुकान में ये हाल है, तो और दुकानदारों को क्या होगा? जो छोटे छोटे दुकानदार यहाँ पर हैं तस्वीर के अंदर, उनका और क्या हाल होगा? तस्वीर में बेहदा माहौल व्याप्त हो गया, सारे व्यापारी डरे हुए हैं, ऐसे मतलब कोई भी सेफ नहीं है अंदर, सब व्यापारी डरे हुए हैं, इससे सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, दिन दहाड़े ये सारा काम हो रहा है। खबर संभल से है, जहां शेर खान सराय में मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का शुभारंभ किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए खेल के मैदान और खगोलीय विज्ञान लैब का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान, खंड विकास अधिकारी रिजवान हुसैन और जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की 8,741 करोड़ रुपए की 2029 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसका लाइव प्रसारण शाहजहांपुर के गांधी भवन में भी आयोजित किया गया था। उपरोक्त जानकारी देते हुए शाहजहांपुर नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम में विभाग की सरकारी योजनाओं से शाहजहांपुर में भी लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस दौरान शहरी आवास योजना के अंतर्गत 50 लाभार्थियों को आवासों की प्रतीकात्मक चाबी दी गई है। वहीं स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का लोन लेने को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए हैं। खबर कानपुर से है, जहां अधिवक्ताओं की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं के हड़ताल पर चले जाने से कहीं ना कहीं न्याय में बाधा पैदा होती है। आगे कोर्ट ने कहा कि बिना देर किए सभी अधिवक्ता अगर काम पर नहीं वापस लौटे तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों और मंत्री गणों को कोर्ट ने पेश होने के भी आदेश दिए हैं। यूपी की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर